अब ये रहन बाजार चमन के बाद आज जो है डोसे की बंडी है, डोसे की बंडी के लिए मेरा भतीजा अल्ताफ नाम है काम पे जाने के लिए टिफिन लेके निकला। लेकिन निकलने के वक्त वह डोसे की बंडी के लिए था और जो है नशे की हालात में जो है गंजट या कुछ जो है गोलियां के नशे में है, मेरे भतीजे को जो है इधर आ रहे बोल के गालियाँ दिए, मैं नहीं आता हूँ बोल के बोला, वो नहीं आता बोलने की वजह से वहाँ पकड़ लिए, पकड़ के जो है मैं बुलाया तो नहीं आता बोल के वार कर दिए इनके ऊपर। क्या है वजह, क्या है वजह जो है वो सिर्फ डोसा खाने के लिए गए हुए थे, इन काम पे जा रहे थे, अभी वजूहत मालूम नहीं भी। हमारे रैन मदार एस आई साहब भी आए और जो है इनको फौरन जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और जो है सो पूरी डिटेल अभी हमको मालूम नहीं भी। कंप्लेंट करें तो हम भी कामों पे थे, हम रैन मदार को कंप्लेंट करें, हम एस आई साहब भी आए, पूरी वेरीफिकेशन कर रहे हैं, उस्मानिया हॉस्पिटल में है हम लोग। बच्चा जो है बोलने की हालत में नहीं है, बच्चे के जो है मौकूफ बहुत ही ख़तरनाक है और जो है हालात तो बोल बयान नहीं दे सक रहे अभी, तो हम जो है इसीलिए तो जो है ये जो है इस वक्त जो सुबह में जो है 10 बजे के टाइम पे अल्ताफ पे जो है हमला किया गया। मैं अल्ताफ का चाचा हूँ, इन लोग काम पर जा रहे थे, नामालूम अफराद नशे के हालात में जो है उनके ऊपर वार कर दिए चाकू से। फिर बाद में जो है वेरीफाई करे, पता चला कि ये जो रैन सर्कल में से है वो, और जो है इनकी ये बाद में फ़ोटो निकाले, ये फ़ोटो है जिसका नाम है अनस, ये जो है नशे की हालत में धुंध रहते और रैन बाजार PH में हम कंप्लेंट लिखा है। रैन बाजार PH से मुतालबा है कि बच्चे को जल्द से जल्द ये जो है अरेस्ट किया जाए, या न तो और वैसे ही जुर्म होते रहेगा और अल्ताफ की जो है तबीयत नासाज है, उस्मानिया हॉस्पिटल जनरल में पड़े हुए है, ये बच्चा फरारी में है। ये हमारे तो बाद में जो है वो हुआ इतला मिली कि ये फ्रेंड सर्कल में है। हम सब जाना परेशान है बच्चे का अरेस्ट करने का, पीछे से मारा चाकू से, पीछे से चाकू, पीछे से मारा, गर्दन पे मारा, कमर पे मारा।